Hello, dear friend. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, I'm just going to teach you session number 10 of your spoken English series. In this particular session, I'm just going to teach you two more interesting phrases which can be used while speaking in English, right? तो हमारा phrase number one रहेगा feel free, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेझिझक, और जो दूसरा phrase रहेगा हमारा come what may, जिसका हिंदी मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए. सो हाउ टू यूज दीज फ्रेजेस वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फील फ्री के साथ. सो पे अटेंशन, ध्यान से देखना है. तो पहला सेंटेंस हमारा रहेगा बेझिझक आप कभी भी मेरे ऑफिस आ सकते हैं. तो अगर आपको ये लाइन बोलनी है तो सबसे पहले बेझिझक के लिए आप बोलोगे फील फ्री टू कम टू माई ऑफिस एनी टाइम. फील फ्री टू कम टू माई ऑफिस एनी टाइम. तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट? दूसरा सेंटेंस हमारा रहेगा बेझिझक आप कभी भी मेरा नाम ले देना. फील फ्री टू मेंशन माय नेम एनी टाइम. ठीक है, मेंशन माय नेम एनी टाइम. तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा बेझिझक आप अपना फैसला कभी भी बदल सकते हैं. फील फ्री टू चेंज योर डिसीजन एनी टाइम. फील फ्री टू चेंज योर डिसीजन एनी टाइम. मतलब फील फ्री का मतलब हुआ बेझिझक, राइट? तो इसके साथ आप क्या करेंगे, टू प्लस वी वन लगाकर आप उस सेंटेंस को बना सकते हैं. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है बेझिझक आप कभी भी मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं. फील फ्री टू लीव द मीटिंग एनी टाइम. तो आप इस तरीके से सेंटेंस को बोल सकते हैं, राइट? अगर मान लो मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि आप बेझिझक अपने दिल की बात मुझे बता सकते हैं, राइट? तो आप बोल सकते हैं फील फ्री टू ओपन योर हार्ट टू मी. फील फ्री टू ओपन योर हार्ट टू मी, राइट? तो आप इस तरीके से सेंटेंस को बोल सकते हैं बेझिझक तुम वहां जा सकते हो. फील फ्री टू गो देयर. आप इस टाइप से बोल सकते हैं, राइट? तो जब आप मुझसे हेल्प मांग सकते हैं फील फ्री टू आस्क एनी असिस्टेंस और एनी हेल्प फ्रॉम मी. तो इस टाइप से भी आप सेंटेंस को बोल सकते हैं. तो फील फ्री का मतलब होता है बेझिझक, राइट? अब सेंटेंस नंबर फाइव जो है वो आपको खुद ट्रांसलेट करना है एंड आई वुड एक्सपेक्ट यू टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. ये आपको खुद बनाना है. बेझिझक आप मेरे रूम में कभी भी आराम करो. सो आई वुड एक्सपेक्ट यू ऑल प्लीज राइट दिस सेंटेंस, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन टू इंग्लिश एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स. आपको कमेंट बॉक्स में ये सेंटेंस लिखना है. तो फर्स्ट हमारा फ्रेज रहा फील फ्री, जिसका मतलब है बेझिझक. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. हमारा सेकेंड फ्रेज रहेगा कम व्हाट मे. कम व्हाट मे, जिसका हिंदी मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए. तो उस केस में हम यूज करते हैं कम व्हाट मे. तो सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस रहेगा, देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए कभी हिम्मत मत हारना. तो सबसे पहले आप ये बोलो कम व्हाट मे नेवर लूज योर हार्ट. इस टाइप से सेंटेंस को बोलेंगे आप. दूसरा रहेगा आपका चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने हक के लिए हमेशा लड़ो. Come what may, always fight for your right. ये भी sentence बहुत impressive है. Next sentence रहेगा आपका चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. Come what may, I am always with you. ये sentence बहुत impressive है. Next sentence देखते हैं चाहे जो हो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा. Come what may, I will never leave you alone. Right? These sentences are very impressive. Next sentence है चाहे कुछ भी हो करो या फिर मरो. कम व्हाट मे डू और डाई. सो दीज आर द सेंटेंसेस यू कैन यूज. यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कम व्हाट मे को यूज कर आप बहुत सारे इंप्रेसिव सेंटेंसेस बना सकते हैं. सो व्हाट एवर द एक्सप्रेशंस और रेडीमेड सेंटेंसेस आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू माय डियर स्टूडेंट, इफ यू इनकल्केट दीज फ्रेजेस और रेडीमेड एक्सप्रेशंस इन योर लैंग्वेज, इन योर स्पोकन इंग्लिश, सो डेफिनेटली यू कैन इम्प्रेस अदर. एट द सेम टाइम यू कैन इनहांस योर कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग. तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा इनहांस होगा, बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, राइट? तो एक छोटा सा वीडियो था. इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर, कमेंट एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट. गॉड ब्लेस यू ऑल. स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड.